सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार धरती पर बढ़ते पापों को खत्म करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए 24 अवतार लिए हैं, जिनमें 10 प्रमुख हैं। भगवान विष्णु के अब तक 23 अवतार पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं। भगवान विष्णु के 24वें अवतार के बारे में कहा जाता है कि कल्कि अवतार के रूप में उनका आना सुनिश्चित है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं, पर उनके सभी 24 अवतारों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं भगवान विष्णु के सभी 24 अवतारों के बारे में। श्री सनकादि मुनि अवतार। सृष्टि के आरंभ में लोक पिता ब्रह्मा जी ने अनेक लोकों की रचना करने की इच्छा से घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तप अर्ध वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार नाम के चार मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये चारों प्राकृत काल से ही मोक्ष मार्ग परायण ध्यान में लीन रहने वाले नित्य सिद्ध एवं नित्य विरक्त थे। सनकादि भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। वराह अवतार। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार वराह अवतार है। प्रातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को लेकर सागर में छिपा दिया, तब ब्रह्मा जी की नाक से भगवान विष्णु वराह अवतार रूप में प्रकट हुए और पृथ्वी को खोजकर बाहर निकाला। जब हिरण्याक्ष ने देखा तो उसने उन्हें ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ और अंत में वराह अवतार ने हिरण्याक्ष का वध किया। नारद अवतार। देवऋषि नारद भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक हैं। उन्होंने कठिन तपस्या से देवऋषि पद प्राप्त किया। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं। देवऋषि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनके महत्वता को स्वीकार करते हुए कहा है, देव ऋषियों में मैं ही नारद हूँ। नर नारायण अवतार। सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए 2 रूपों में अवतार लिया। इस अवतार में वे अपने मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनके हाथों में हंस, चरणों में चक्र एवं वक्षस्थल में श्री वत्स के चिन्ह थे। उनका संपूर्ण वेश तपस्वियों के समान था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में यह अवतार लिया था। कपिल मुनि अवतार। भगवान विष्णु ने 5वां अवतार कपिल मुनि के रूप में लिया था। इनके पिता का नाम महर्षि कर्दम व माता का नाम देवहूति था। शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म पितामह के शरीर त्याग के समय वेद व्यास आदि ऋषियों के साथ भगवान कपिल भी वहां उपस्थित थे। भगवान कपिल के क्रोध से राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। भगवान कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। कपिल मुनि भागवत धर्म के प्रमुख 12 आचार्यों में से एक हैं। दत्तात्रेय अवतार। दत्तात्रेय भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनकी उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। एक बार माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती को अपने पतिव्रत पर अत्यंत गर्व हो गया। तब त्रिदेवों ने इनका अहंकार नष्ट करने के लिए लीला रची। उसके अनुसार नारद जी एक बार देवलोक पहुंचे और तीनों देवियों को बारी बारी जाकर कहा कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के सामने आपका सत्यत्व कुछ भी नहीं है। तीनों देवियों ने यह बात अपने अपने स्वामियों को बताई और उनसे परीक्षा लेने को कहा। तब त्रिदेवों ने साधु वेश बनाकर अत्रि मुनि के आश्रम गए। उस समय अत्रि ऋषि आश्रम में नहीं थे। त्रिदेवों ने देवी अनुसुईया से भिक्षा मांगी, मगर यह भी कहा कि आपको निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा देनी होगी। अनुसुईया पहले तो यह सुनकर चौंक गई, पर साधुओं का अपमान ना हो इस डर से उन्होंने अपने पति का स्मरण किया और बोली कि यदि मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है तो यह तीनों साधु 6-6 मास के शिशु हो जाएं। सब बोलते ही त्रिदेव शिशु बनकर रोने लगे। तब अनुसुईया ने माता बनकर उन्हें गोद में लेकर स्तनपान कराया और पालने में झुलाने लगी। जब तीनों देव नहीं लौटे तो तीनों देवियों व्याकुल उठी। तब नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई। तीनों देवियां माता अनुसुईया के पास गईं और क्षमा मांगी। तब माता अनुसुईया ने त्रिदेवों को पहले जैसा कर दिया। प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने वरदान दिया कि हम तीनों अंश से तुम्हारे गर्भ से संतान रूप में जन्म लेंगे। तब ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, शिव जी के अंश से ऋषि दुर्वासा और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। यज्ञ अवतार। भगवान विष्णु का 7वां अवतार यज्ञ अवतार है। भगवान यज्ञ का जन्म स्वयंभू मन्वंतर में हुआ था। स्वयंभू मनु की पत्नी शत्रुपा के गर्भ से आकुति का जन्म हुआ। वे रुचि प्रजापति की पत्नी हुई। इन्हीं आकुति के यहाँ भगवान विष्णु यज्ञ नाम से अवतरित हुए। भगवान यज्ञ के उनकी पत्नी दक्षिणा से अत्यंत तेजस्वी 12 पुत्र उत्पन्न हुए। वे ही स्वयंभू मन्वंतर में याम नामक 12 देवता कहलाए। भगवान ऋषभ देव अवतार। भगवान विष्णु ने ऋषभ देव के रूप में 8वां अवतार लिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाराज नाभिक की कोई संतान नहीं थी, इस कारण उन्होंने अपनी धर्म पत्नी मेरु देवी के साथ पुत्र की कामना से यज्ञ किया। यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने महाराज नाभि को वरदान दिया कि मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा।
कुछ समय बाद भगवान विष्णु महाराज नाभि के यहाँ पुत्र रूप में जन्मे। पुत्र के अत्यंत सुंदर सुगठित शरीर, कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों को देखकर महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ यानी शेष रखा। आदिराज पृथ्वी अवतार। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने पृथ्वी रूप में अवतार धारण कर के पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया। इससे समस्त प्रजा का बहुत कल्याण हुआ। भागवत के चौथे स्कंद के कई अध्याय में भगवान के पृथ्वी रूप का विस्तृत वर्णन किया गया है। मत्स्य अवतार। चाक्षुष मन्वंतर के अंत में जब समस्त लोग इस समुद्र में डूब रही थी तब भगवान ने मत्स्य के रूप वाला मत्स्य अवतार लिया। इन्होंने ही अगले मन्वंतर के अधिपति व्यवस्थ मनु को पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर उसकी रक्षा की थी। भागवत के अष्टम स्कंद के 24वें अध्याय में मत्स्य अवतार की कथा विस्तार पूर्वक वर्जित है। कूर्म अवतार। जब देव और दानवों ने अमृत प्राप्ति के लिए सागर मंथन किया तब भगवान विष्णु ने कछुआ के रूप में कूर्म अवतार लिया और अपनी पीठ पर मंदरांचल पर्वत धारण किया। कूर्म अवतार को कश्यप अवतार भी कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब देवों और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें सबसे पहले विष निकला जिसे भगवान शिव ने पी लिया। सबसे अंत में अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। मोहिनी अवतार। समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो उसे पाने के लिए देव दानव आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाया। भागवत के अष्टम स्कंद में 8वें, 9वें और 12वें अध्यायों में भगवान के मोहिनी अवतार का विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। नरसिंह अवतार। 14वें अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया था। इस रूप में दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का संहार किया था। प्रह्लाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह ने अपने नखों से हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ डाला था। वामन अवतार। भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके दैत्यराज बलि के यज्ञ में जाकर उससे तीन पग भूमि की याचना की थी और तीन पग भूमि के बहाने संपूर्ण लोगों को ही अपने चरणों से नाप लिया था। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में से सबसे छोटे थे परंतु गुणों की दृष्टि में सबसे बड़े थे। दैत्यराज बलि अपना सब कुछ गंवा बैठे परंतु वामन भगवान का चरण अपने सिर पर धारण करने से उन्हें इंद्र पद की प्राप्ति हुई। भगवान परशुराम अवतार। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों व राजाओं से पृथ्वी को विहीन कर दिया था। भगवान परशुराम अजर अमर हैं। इन्हें 8 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। श्री राम अवतार। त्रेता युग में राक्षस राजा रावण से धरती की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से श्री राम का अवतार लिया। पिता के कहने पर वह 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए जहाँ रावण ने इनकी पत्नी सीता ग्रहण कर लिया। श्री राम ने रावण से युद्ध कर उसका वध किया और सीता जी को मुक्त किया। श्री राम ने मर्यादा का सदैव पालन किया जिस कारण यह अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाया। वेद व्यास अवतार। पुराणों में महर्षि वेद व्यास को भी भगवान विष्णु का अंशावतार माना गया है। वेद व्यास महर्षि पराशर के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। इनका जन्म सत्यवती के गर्भ से यमुना द्वीप पर हुआ था। इन्होंने ही मनुष्य की आयु और शक्ति को देखते हुए वेदों का विभाग किया था। इन्होंने ही महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। हंस अवतार। एक बार भगवान ब्रह्मा अपनी सभा में बैठे थे तभी वहां उनके मानस पुत्र सनकादि पहुंचे और भगवान ब्रह्मा से मनुष्यों के मोक्ष के संबंध में चर्चा करने लगे। तभी वहां भगवान विष्णु महाहंस के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सनकादि मुनियों के संदेह का निवारण किया जिसके बाद महाहंस रूपी भगवान श्री विष्णु अदृश्य होकर अपने पवित्र धाम चले गए। गजेंद्र मोक्ष अवतार। एक सरोवर में किसी महाबली ग्रह ने गज का पैर पकड़ लिया। जब बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वह गज मुक्त न हुआ तब उसने भगवान का स्मरण किया। तब चक्रपाणि भगवान गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे और अपने चक्र से ग्रह का संहार किया। श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेकों चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के साथी बने और गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का यह अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। हयग्रीव अवतार। भगवान के इस अवतार को वेदमय, यज्ञमय तथा सर्वदेवमय कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि उनका सिर घोड़े का था और शरीर मनुष्य का था। वे बुद्धि के देवता माने जाते हैं। भगवान हयग्रीव ने हयग्रीव नामक दानव का वध करने के लिए यह अवतार लिया था जिसका सिर भी घोड़े का और शरीर मनुष्य का था। भगवान बुद्ध अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। इनका जन्म क्षत्रिय कुल के शाक्य नरेश सुदोधन के पुत्र के रूप में हुआ था। इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। गौतम बुद्ध ने अपनी शादी के बाद अपनी पत्नी यशोधरा
और पुत्र राहुल को छोड़कर संसार को मोह माया और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग पर निकल गए थे। वेंकटेश्वर अवतार। वेंकटेश्वर के रूप में भगवान विष्णु ने उस स्थान पर अवतार लिया जहाँ भंडासुर ने हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप को जागृत किया। उस चौखट पर भगवान नरसिंह ने पुनः हिरण्याकश्यप का वध किया था। उस स्थान को तिरुपति के नाम से जाना जाता है और भगवान विष्णु वेंकटेश्वर के रूप में पुनः अवतार धारण किया था। कल्कि अवतार। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का आखिरी अवतार माना जाता है। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु कल्कि अवतार कलयुग के अंत में लेंगे। उसके बाद धरती से सभी पापों बुरे कर्मों का विनाश होगा और सत्ययुग की शुरुआत होगी। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि परंपरा से 24 अवतार ही संख्या में माने गए हैं, पर यहाँ हमने 25 अवतारों का वर्णन किया है। इनमें गजेंद्र मोक्ष अवतार की गणना नहीं की जाती क्योंकि इस अवसर पर भगवान विष्णु साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने कोई नया रूप धारण नहीं किया था। भगवान विष्णु ने अपने अवतारों द्वारा अलग अलग युगों व भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पृथक रूपों में यहाँ तक कि पशु पक्षी रूपों में भी अवतरित होकर धर्म रक्षण पाप नाश का महान कार्य किया है। भगवान विष्णु के यह अवतार हमें बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु अवतार लेकर हमारी रक्षा करते हैं और सदैव करते रहेंगे।